हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, कोई भी मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि किस तरह से हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाई मी, माई नेम इज़ विशाली शर्मा, योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला। पहला ही जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ पॉइंट। ओके, अ पॉइंट से ही ओरिजिन होता है ज्योमेट्री का, उससे ही फिर लाइन बनती है, देन फिर रेज, फिर पॉलीगन्स, ओके, देन फिर क्वाड्रिलेटर्स, ओके, देन फिर पेंटागन्स। आप किसी भी फॉर्म में ज्योमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, उनके अलग फॉर्मूलाज हैं जो हमको याद रखने हैं, जो हमें हमेशा याद रखने हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज़ अ पॉइंट। सो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। ओके, सो स्पेस में कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन को जब हमने बताना है कि ये चीज़ यहाँ पर स्थित है, तो हम एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और वहीं से आगे का जो सारा ओरिजिन है वो होता है। दे आर शोन एज डॉट्स ऑन ए प्लेन इन टू डायमेंशनल और ए डॉट इन थ्री डायमेंशनल। सो वो एक प्लेन पर शो होता है एज टू डायमेंशनल और अ थ्री डायमेंशनल प्लेन में। अ लाइन इज ए ज्योमेट्रिक फिगर दैट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंड अप स्ट्रेट दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस फॉर एवर। ओके, सो इसमें ये भी बताया गया है फ्रेंड्स कि जो पॉइंट है उससे बहुत सारी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पर जो मेन मेंशन है कि जो लाइन है वो एक ज्योमेट्रिक फिगर है जो कंसिस्ट होती है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंड अप स्ट्रेट एट दैट स्ट्रेट दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस फॉर एवर। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट, सो उसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं और वो लाइन दोनों ही साइड हो सकती है, बोथ डायरेक्शंस। ओके, एंड देर इज़ एग्जैक्टली वन लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, बट अगर हम दो पॉइंट्स लें जैसे ए और बी, तो उनके बीच सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। ओके, एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर एंड द पॉइंट्स नॉट ऑन द सेम लाइन आर नॉन कोलिनियर। सो इसमें यह भी बताया गया है कि जब जैसे कोई तीन पॉइंट्स अगर हमने ले लिए, चार पॉइंट्स ले लिए और उनके ऊपर लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट लाइन, तो उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, बट अगर हमने पॉइंट्स को जैसे 1, 2, 3, 4 कहीं कहीं लिया बट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हुई, सो दैट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन आर नॉन कोलिनियर एंड दैट आर ऑन द सेम लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ए पॉइंट। अब हम एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन ए प्लेन। सो एक प्लेन है, मे बी थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, हम वहाँ से जैसे ये एक ओ पॉइंट है, वहाँ से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू वी से लेके हम कितनी भी लाइंस, 1, 2, 3, एम एन ओ पी, इन्फिनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ लाइन। अब हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली लाइन के बारे में। अ लाइन इज़ वन डायमेंशनल, डेफिनेटली वन डायमेंशनल है। ओके, हम इसको हवा में या टू डायमेंशनल में शो नहीं कर सकते, स्पेस में शो नहीं कर सकते, हमें एक पेपर पर ही ड्रॉ करके बताना होगा सामने से कि दिस इज़ अ लाइन। ओके, अ लाइन हैज़ लेंथ बट नो विड्थ और हाइट। और एक लाइन है, उसकी लेंथ है बट उसकी कोई हाइट और विड्थ नहीं है। ओके, इन अ ज्योमेट्री अ लाइन इज़ परफेक्टली स्ट्रेट एंड एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस। अ लाइन इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बाई टू पॉइंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि एक लाइन है, ओके, इसका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आप इसको सी डी एल एम एन ओ कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, सो ये दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट। नाउ अब फ्रेंड्स, लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो हमें वो डिस्कस करना ज़रूरी है। टू लाइन्स आर ईदर पैरलर और दे मीट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स. अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो लाइन है उसके जब दो एंड पॉइंट्स मेंशन हो जाते हैं तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. लाइन सेगमेंट की ज़रूर कोई लेंथ की मेजरमेंट होती है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है एंड सो ऑन. ओके, लाइन सेगमेंट हैज़ स्टार्ट एंड स्टॉप एट टू पॉइंट्स. ओके, उसके कुछ कोई पॉइंट्स हैं जो कि स्टार्ट और स्टॉप कहलाते हैं. ओके, बट जो लाइन है उसको हम कितना भी लंबा ड्रॉ कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट की कुछ मेजरमेंट हमें दी जाएगी जिसको हमने ड्रा करना है. अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन फॉर एवर. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें रे बताना है, कोई सिग्नल को मेंशन करना है, तो हम किस तरह से करते हैं? एक रे के साथ करते हैं जिसका विद वन, जिसका एक एंड पॉइंट है एंड एक्सटेंड होता है इन वन डायरेक्शन फॉर एवर, और वो एक ही साइड पर हमेशा बढ़ती जाती है. ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रे, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इस तरह से इंडिकेट कर रही है. ओके, नेक्स्ट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स. अब इसमें यह बताया गया है फ्रेंड्स कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और ये पैरेलल लाइन्स हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट. दो लाइन्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं. और पैरेलल लाइंस वो हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये चलती ही जाएंगी. एल एम एन ओ, आप कितनी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो आप देखिए इंटरसेक्ट है मींस जो आप एक दूसरे को कट करें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और पैरेलल लाइंस हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करती. नेक्स्ट इज़ परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंड्स. यहाँ पर बहुत अच्छे से शो किया हुआ है कि परपेंडिकुलर लाइन्स कौन सी हैं जो कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. जब वो इंटरसेक्ट करें तो वो एंगल बनाएं 90 डिग्री का. ओके, नेक्स्ट इज़ अ प्लेन. अ प्लेन इज़ अ फ्लैट टू डायमेंशनल सर्फेस. अ प्लेन कैन बी आइडेंटिफाइड बाई टू थ्री पॉइंट्स इन द प्लेन और बाय अ कैपिटल लेटर. अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ए बी सी डी हम इस प्लेन को मेंशन कर सकते हैं. ये रेक्टेंगल शेप में है, इसी तरह से स्क्वायर शेप में भी हो सकता है. कि जिस तरह से हमने कोई भी प्लेन जो है उसको डिफाइन करना है, तो सबसे पहले वो एक टू डायमेंशनल सर्फेस होगा, फ्लैट सर्फेस. अ प्लेन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय थ्री पॉइंट्स इन प्लेन और बाय अ कैपिटल लेटर. ओके, एंड देर इज़ एग्जैक्टली वन प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट्स. ओके, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज अ लाइन. कोप्लेनर पॉइंट्स आर पॉइंट इन वन प्लेन. ओके, सो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो इंटरसेक्शन होगा टू प्लेन्स का, उसको हम लाइन बोलेंगे, और कोप्लेनर पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं एक प्लेन के ऊपर. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इनको हम आगे भी यूज़ करते जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एंगल्स की. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एंगल्स क्या हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं उनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग. जब भी दो लाइंस जब वो इंटरसेक्ट करती हैं या एक पॉइंट पर मीट करती हैं, तो वो एंगल्स फॉर्म करती हैं. सो एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम के मेजरमेंट के होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. ओके, एंड सो ऑन. उसी तरह राइट एंगल हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल्स हैं जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जैसे कि 110, 100 डिग्रीज एंड सो ऑन. और स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है. ओके, अब व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू पॉजिटिव एंगल इज 90 डिग्री, दैट एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वो वाले सम जिनकी जो मेजरमेंट है पॉजिटिव एंगल्स की जो 90 डिग्री है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. जैसे कि 45 + 45, 40 + 50, ओके, 30 + 60 एंड सो ऑन, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देन मेजरमेंट, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू पॉजिटिव एंगल्स इज 180 डिग्री, द एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सो जिनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से जैसे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, हम आने वाली वीडियोज़ में भी जो मैट्रिक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. हमेशा